एक काम में सारा काम हो जाएगा। तो तुम मेरे घर की सफाई करने आती हो और मैं मेरे माँ के घर रहूँ या मेरे भाई के घर रहूँ, तुमको उससे क्या क्या घर दिमाग लगेगी ना, फिर बोलना कि खुशी दीदी करने आई थी दिमाग। सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल खुशी शिवाय व्लॉग्स। तो अभी टाइम हो रहा है आज धूप हल्की है इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं और घर में ज़्यादा काम नहीं है। जो पलिस्तर होना था वो भैया आए नहीं, बोले हम कल आएंगे, तो कल होगा तो आज मार्केट का काम कराते हैं। एक काम में सारा काम हो जाएगा, ब्लाउज फिर गेहूँ पिसाना ये वो सब। मम्मी पेट्रोल नहीं है, जब हम जाते तब हमको पेट्रोल डलवाना पड़ता, क्यों कोई डलवाता नहीं है। चप्पल मेरी शादी के पहले की है, शादी इवन नहीं हुई थी ना उसके भी बहुत पहले की है, अभी तक पहन रहे हैं। तो हम जाते हैं जल्दी से मार्केट। तो अभी हम आए हैं मार्केट में, टेबलेट्स वगैरह लेंगे थोड़ी, और आज ना देखो जुम्मा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, आधी शॉप्स तो बंद ही है मार्केट की। मैंने हेयर ओपन किए थे तो वापस से बांधना पड़े मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और धूप में मतलब पसीना तो आता, ये चिपक रहे थे बाल पसीने की वजह से। ले लाडो इधर दे, हाय बोलो। डेटा का फोन आ गया तेरे। बोले लाडो आप, डेटा है। वाओ लाडो तू रेड 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 क्या है। हाँ नहीं जा, चाबी ले टिफिन दो। दो मम्मा डेरी टिफिन निकाल दे बेटा को, अभी ला हो उठाओ टिफिन दे दो। ले बढ़िया ही गाड़ी चलाने वाली। बात ना हम लोग इधर भी, इधर कौन देगा। तो अभी टाइम हो रहा है 5:16, हम मार्केट से आ गए थे 2:30। मार्केट से आए, प्रिंसी को सुलाया और उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत मेरा काम किया, वर्क किया फ़ोन का, फिर कपड़े वगैरह वॉश करे, कपड़े धोने के थे नाइट में धो लिए थे, फिर ये थोड़े बहुत कपड़े हैं इनको वॉश करे, फ़ोन थोड़ा चलाया, उसके बाद में घर की तरी करी, जो भी कल लगा था उसके सबकी तरी करी, चौखट वगैरह की, तो पूरा पानी पानी हो गया था बेडरूम में भी और बीच में, तो पूरा बेडरूम को भी धोया और पूरा वॉश एरिया को भी धोया और यहाँ पे पूरा साफ़ करा। फिर भी देखो ना वाइट वाइट दिख ही रहा है, ये झार ना बहुत बुरी चीज़ होती है, जाती नहीं है। अब थोड़ा बाहर निकली हूँ ठंडी हवा खाने, तो ठंडी हवा क्या है तो लपट ही चल रही। 5 बजे भी देखो ना धूप निकली हुई है, यहाँ भी फटका हुआ है। मेरा बच्चा सोया ही उठेगा तो उसको दाल चावल खिला दूँगी, अभी तक सोइए। मैं सोच रही थी सो जाऊँ पर नहीं यार, नहीं सोती मैं, कोई फायदा नहीं, काम तो कोई नहीं, खाना बनाना है, अब नाइट में बनाऊंगी आराम से शांति से। पता है प्रिंसी को ना घमूरिया हुई थी तो उसके लिए मैं पाउडर लेकर आई हूँ। आप कमेंट करते हो कूलर ले लेते गोवा हुआ है, कूलर नहीं लेकर आए, कूलर लेते बट 15-20 दिन की तो गर्मी है यार, कूलर लेके क्या फ़ायदा है। अभी हवा खा लेंगे फिर बाद में उसको इधर उधर पैक कर करके कर रखो, एक जगह स्पेस लेगा वो, इसलिए अभी नहीं ले रहे। घर खुद का घर बनाएंगे ना तब लेंगे कूलर हम, और हमारा खुद का घर बन जाएगा 2-3 साल के अंदर अंदर, अगर आपने सपोर्ट किया तो 1-1.5 साल में बन जाएगा। ये उठ गया मेरा टिंडा भी, ओ बबले, अले बबले ऐसी गड़बड़ गोटी खाएगा, ऐसी गड़बड़ गोटी खाएगा, बहुत शैतान हो जाएगा। नहीं करूं मैं, जा रही विदित पास, जा रही विदित, चल विदित पास चल। अभी टाइम हो रहा है 10:55, शिवाय घर आ गए हैं और मेरा खाना ना आज जल्दी बन गया था। प्रिंसेस के मामा साथ गई थी ऊपर तो मैंने बोला कि चलो खाना बना ही लेती, उसको खिला पिला के थोड़ी देर बैठी मैं बाहर घुमा करी, फिर भैया ले गए थे, मैंने खाना बना लिया। मैंने आज बनाई है चरकी दाल और रोटी। और एक कमेंट आई थी आज कि घर की सफाई नहीं रखती हो, खासकर बाथरूम को क्लीन नहीं रखती हो, तो
तो दिमाग तो होगी, फुल टाइम माँ के घर पड़ी रहती हूँ और नाइट में खिचड़ी बना के खाती हूँ। क्या है कि तुम क्या मेरे घर की सफाई करने आती हो, तुम अपने घर पे ध्यान दो। और बेटा तुमको मालूम नहीं है कि दिमाग कैसे होती है तो बोलो मत। और मैं मेरे माँ के घर रहूँ या मेरे भाई के घर रहूँ, तुमको उससे क्या? ये मैंने कमेंट भी किया है। तो ये दिमाग होती कैसे है, ये सीलन की वजह से होती, ठंडाई की वजह से, ना कि मैंने वहाँ डाली। तो प्लीज़ कमेंट मत करो ऐसी, है ना, आपको नहीं पता ना तो मत बोला करो। जिसके घर होती है ना उसी को पता चलता है। तो क्या घर दिमाग लगेगी ना फिर बोलना कि खुशी दीदी करने आई थी दिमाग, फालतू बकवास जैसी कमेंट करते हो। तो चलो हम खाना खाते हैं, आ जाओ आप भी खा लो। और रोज की खिचड़ी की बात रही तो खिचड़ी, मेरा मन में खिचड़ी खाओ, थूली खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तुमको क्या? बोलने आई बड़ी मैडम। मम्मी मेरे को पता ही नहीं कि रस कब रख गए घर पे, देखो रस और प्याज की सब्जी। मैं प्रिंसी को लेने घर गई थी, इतनी देर में मम्मी शायद नीचे कचरा डालने आई थी, तो आम का रस हो गया के चले गए। तो आप टाइम देख सकते हो 12:01 हो रहा है और प्रिंसी सो गई है और शिवाय भी सो गए हैं और मैं जगी हूँ। क्यों जगी हूँ? क्योंकि ना अभी मैंने पूरे घर की, मतलब जहाँ जहाँ ये चौकट है लगी है वहाँ की तरीकी, यहाँ सब तरीकी, देखो सीमेंट कितना पानी पी रही है कि अभी भी सूखी ही है। मैंने पूरी अच्छी तरी करी, यहाँ पर पूरा वॉश करा, देखो सब भी गीला ही है, सब पूरी वॉश किया, तो पन्नी तो कल यूज़ में आएगी। और लेट बाद भी धो दी क्योंकि सुबह से उठो ना फिर पैर रखने की इच्छा नहीं होती, इसलिए नाइट में वॉश करके सो गई मैं। और सुबह से ना वो भैया आएंगे पलिस्तर के लिए, तो मैं झाड़ू निकाल दूँगी, पोछे वगैरह नहीं लगूँगी, कल और मेरा घर गंदा होगा, तो ये जो गद्दा रहेगा ना इसको भी मैं एकदम अच्छे से ढक दूँगी। पलिस्तर होगा वैसे तो कुछ ज़्यादा गंदा नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल पलिस्तर करके जाएंगे। और मेरे को ना मैं कुछ काट लूँ, हाथ पे सब दर्द जैसा हो रहा है, पता नहीं क्या काटा दो, हाथ खींच के मेरे काटते के साथ में यार क्या काटा होगा, शायद दिमाग तो नहीं काटते जिससे हाथ खींचने लग जाता है, एकदम से चट चट कर रहा है और सूझ रही हूँ। चलो मैं देखती हूँ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय।